कहाँ ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ चल रहा है? हम देखें कि बस फ्लेक्स बोर्ड लगाने से, मतलब मोदी जी और योगी जी का फ्लेक्स बोर्ड लगाने से इस देश में महिलाएं तो सुरक्षा नहीं रह सकते। आज के समय पे ऐसा आ गया है कि हमें बीजेपी एमपी से ही बचाना पड़ रहा है, और ये बचाने का कोई बात नहीं है। इस देश में महिलाएं हमेशा लड़ी है। जिस मीडिया को सच्चाई सामने रखना चाहिए, जिस मीडिया का ये काम है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रहे हैं उसको एक्सपोज करे, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हम देखें कि किस तरीके से आज इस देश का मीडिया पूरा जनता के खिलाफ है। सरकार के साथ तो है बट जनता के खिलाफ तो बार बार चले जा रहा है। देश भर में एक पेट्रियार्की और पेनिट्रेट हो रहा है, ये सच बात है कि पेनिट्रेशन हो रहा है। जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है, वो इस देश में एक पकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है। हमें ये बस अभी जो ब्रिजभूषण के खिलाफ हो रहा है, हम देखेंगे किस तरीके से इससे पहले भी जो पूरा बीजेपी में जितने भी एमपी लोग हैं, चाहे वो किसी कोई भी ऑफिस बेयरर हो या फिर किसी भी तरीके का कार्यकर्ता हो, हम देखेंगे किस तरीके से बार बार जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी सेक्शुअल हैरेसर्स हैं, उनको किस तरीके से सेफगार्ड करने का कोशिश लगातार बीजेपी के साइड से हो। अभी पिछले साल का ही बात है कि किस तरीके से बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट है उनको किस तरीके से फ्री किया गया था, और जो ये पूरा राइट विंग और हिंदुत्व फोर्सेस है वो किस तरीके से इन रेपिस्टों का स्वागत कर रहा था। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे बार बार जो रेपिस्टों का गार्लैंडिंग हो रहा है, वहाँ पे स्वागत हो रहा है, तो ये पूरा एक सिस्टम के खिलाफ बोलने का बहुत जरूरी है। आज बीजेपी का एक एमपी और डब्ल्यूएफआई का हेड के खिलाफ अगर एक केस है तो ये जरूरी है कि हमारा पीएम भी उस पर अपना राय रखे, उस पर अपना जल्द से जल्द एक्शन ले। अभी कुछ ही दो दिन पहले हम देखें कि किस तरीके से पीटी उषा, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड है, वो ये स्टेटमेंट देती है कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंडिया का जो देश का इमेज है वो टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक एक स्टेटमेंट आया। हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीटी उषा को भी जल्द से जल्द अपना पद से रिसाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इश्यू है, जो रेसलर्स अपना जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं उनको आप कभी भी एड्रेस करने का कोशिश नहीं कर रहे, बट आप यही कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रोटेस्ट है उसको डिलेजिटिमाइज। नहीं तो एक चीज ये देखिए कि अगर ये बार बार इस तरह कर रहे हैं, आप सारे केसेस भी सुना रही, तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मानसिकता है जिससे सरकार का समर्थन बढ़ता जा रहा है, वोट बढ़ता जा रहा है? क्या इस चीज को पॉपुलराइज करने में या जैसा काम है उसके उल्टा इमेज बनाने में मीडिया की भूमिका है क्या, खासकर टीवी मीडिया? जरूर, हम लोग देखेंगे कि देश में कितने भी प्रोटेस्ट हो, वो चाहे किसान आंदोलन हो या फिर वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो या फिर स्टूडेंट्स का इशू या फिर किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी खिलाफ कोई भी लड़ाई हो, हम देखेंगे कि किस तरीके से बार बार इतने सारे तमाम प्रोटेस्ट को डिफेम करने का, डिलेजिटिमाइज करने का एक कोशिश किया था। हम देखेंगे किस तरीके से जब फार्मर्स अपना आंदोलन लड़ रहे थे, हम देखेंगे किस तरीके से उनको खालिस्तानी बोला गया था, इस तरीके से उनको उनके लिए अलग अलग शब्द यूज किया गया था। जब CNRC के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा था तो किस तरीके से उनके हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो भी किस तरीके से घटिया सोच से घटिया स्टेटमेंट निकाल रहे थे अपने मुंह से। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से बार बार जितने भी प्रोटेस्ट है, जितने भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, वो किस तरीके से देश विरोधी प्रोट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं। आज के समय पे भी वही चल रहा है कि पूरा एक सिस्टम मिला हुआ है, मोदी मीडिया, जो भी जितने मीडिया है इस प्रोटेस्ट के खिलाफ या चाहे जितने भी प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ एक ये कर रहे हैं। अमित शाह एक बार यूपी चुनाव प्रचार के टाइम पिछले साल कहते हैं कि यूपी में 16 साल की लड़की स्कूटी लेकर आधी रात में गहने पहनकर निकल सकती है, इतना सुरक्षित माहौल है। उसी यूपी के सांसद ने 100 से ज़्यादा लोगों के यौन शोषण किया है। क्या ये जो बात बोली जाती है काम एकदम उलट है? फिर परसेप्शन कैसे बन जाता है कि हर चुनाव के बाद इस तरह के सर्वे आंकड़े और मीडिया में पॉपुलराइज किया जाता है कि मोदी जी को इतनी महिलाओं का मिला वोट, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने किया मत, कैसे बनाया जाता है परसेप्शन? देखो ये तो महिला सुरक्षा पर सवाल है कि गृह मंत्री के दावे और यथार्थ में क्या। हाँ, हम देखें कि किस तरीके से यूपी में भी जो हाथरस का इंसिडेंट हुआ जिसमें एक दलित लड़की के एक रेप होता है अपर कास्ट मैन से, और उसके बाद वो पूरा सिस्टम उसको डिफेंड करने में लग जाता है।
हम देखे कि किस तरीके से पूरा सिस्टम वहाँ पे फेल हुआ और बार बार दंगे करा के अपने दिए वोट कमा के ये कोशिश किया जाता है। हम लोग बस ये इस अभी भी इलेक्शन आने वाला है, कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है, अगले साल राजस्थान में भी इलेक्शन आने वाला है। हम देखेंगे किस तरीके से दंगा करके सोसाइटी को पोलराइज करके बार बार यही कोशिश किया जाता है कि कैसे भी हो अपना सत्ता में वो लोग रहे। तो ये कोशिश जो बार बार कर रहे हैं इसको हम लोगों को एक्सपोज करने का जरूरत है और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है वो एक्सपोज करने के लिए। बट हम देखेंगे कि किस तरीके से वही मीडिया जाके सरकार के साथ चले जाता है, जिस मीडिया को सच्चाई सामने रखना चाहिए, जिस मीडिया का ये काम है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रहे हैं उसको एक्सपोज करे, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। हम देखें कि किस तरीके से आज इस देश का मीडिया पूरा जनता के खिलाफ है, सरकार के साथ तो है बट जनता के खिलाफ तो बार बार चले जा रहा है। आप लोगों की बात वैलिड होगी अगर जेएनयू के छात्र हो? देखो हम लोग जैसे बस जेएनयू का बात नहीं है, ये देश भर का यूथ का, देश भर का महिलाओं का, देश भर का जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका बात है, उसमें जेएनयू भी एक हिस्सा है। बट हम देखें कि किस तरीके से इस देश में जब भी कोई ऐसे गलत हुआ है या इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ चाहे वो बीजेपी का सरकार एक कितने भी अपना फोर्स लगाने की कोशिश करे, बट हम देखें कि किस तरीके से देश भर में एक आवाज आया है। वो CNRC के टाइम पे भी आया है, देश भर में एक यूनाइटेड आवाज आया था, किसान आंदोलन के समय पे भी आया, आज भी जब रेस्टलेस यहाँ पे लड़ रहे हैं तो हम देखें कि किस तरीके से देश भर से एक यूनाइटेड और एक आवाज आ रहा है। एकदम आखिर सवाल, पैट्रियार्की का पेनेट्रेशन बढ़ा है क्या? ये जो कहानियां हैं, किस्से हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, क्या उसको बल देने के लिए उन्नाव से लेके कठुआ तक सब चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? अकादमिक भाषा में भी आप बता सकते हैं। ये तो मतलब हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जब एक सरकार ये बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो उनका नरेटिव में चलता है, बट कहाँ ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ चल रहा है? हम देखें कि बस फ्लेक्स बोर्ड लगाने से, मतलब मोदी जी और योगी जी का फ्लेक्स बोर्ड लगाने से इस देश में महिलाएं तो सुरक्षा नहीं रह सकते। आज के समय पर ऐसा आ गया है कि हमें बीजेपी MP से ही बचाना पड़ रहा है और ये बचाने का कोई बात नहीं है। इस देश में महिलाएँ हमेशा लड़ी है अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़े, वो चाहे स्वतंत्र से पहले हो या फिर आज भी हो। हम देखें कि किस तरीके से हर इश्यू पे हर मौके पे जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे आके लड़ी है, वो हम CNRC के मूवमेंट में भी देखें कि किस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट और जो पूरा BJP सरकार हमेशा मुस्लिम वीमेन का सेवियर बन के रहता है कि हम लोग मुस्लिम वीमेन का सेवियर है, हम उनको राइट्स देंगे, उसी सरकार को इस देश का मुस्लिम महिलाएं और देश भर के महिलाएं दिखाए कि हमें आपका कोई बचाने का जरूरत नहीं है, हम खुद अपना राइट्स के लिए असर्ट करेंगे, हम खुद अपना राइट्स के लिए लड़ेंगे। तो अब देश भर में एक पेट्रियार्की और पेनिट्रेट हो रहा है, ये सच बात है कि पेनिट्रेशन हो रहा है, जो मनुवादी सोच है, जो ब्राह्मणवादी सोच है वो इस देश में एक पकड़ करने की कोशिश कर रहा है, बट दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है।